हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कि जो रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड है, जैसे यूटीआई का म्यूचुअल फंड है रिटायरमेंट प्लान, तो रिटायरमेंट प्लान में जो लॉक इन पीरियड है वो 5 साल का होता है। तो जब तक आप 5 साल का टाइम पूरा नहीं हो जाता है, तब तक आप उसमें से पैसे विड्रॉल नहीं कर सकते। और बाकी कई म्यूचुअल फंड ऐसे भी हैं जिनमें 3 साल का लॉक इन पीरियड आता है। तो जैसे मान लिया 3 साल का लॉक इन पीरियड, जैसे हम अभी बताएंगा कि SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, तो जो SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है उसका जो लॉक इन टाइम है वो 3 साल का ही होता है। तो इसका मतलब ये है कि यदि 3 साल का लॉक इन पीरियड है तो आप 3 साल तक पैसे विड्रॉल नहीं कर सकते। उसके बाद 3 साल से नेक्स्ट यदि आपको मान लिया 4 साल हो जाते हैं तो आप उसमें से सिर्फ 1 साल का ही पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। यदि आपके 4 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो पूरा पैसा आप विड्रॉल उसके अंदर नहीं कर सकते हैं। तो गाइज, आप ध्यान रखना इस बात का कि जो लॉक इन टाइम है उसके बाद जितना पैसा ऊपर है सिर्फ वही विड्रॉल होता है। यदि और आपको यदि पूरा पैसा विड्रॉल करना है तो आपको फिर SIP स्टॉप करनी होगी। फिर जैसे 3 साल कंप्लीट होंगे तो पिछले वाले 1 साल का रिटर्न आप निकाल सकते हैं। तो 3 साल का जो लॉक इन टाइम है उसका मतलब ये है कि 3 साल जब तक कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आप 1 रुपया भी उसमें से विड्रॉल नहीं कर सकते। 3 साल जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में यदि मान लो आपने 2 महीने ही जमा कराए हैं, 3 साल और 2 महीने जमा हो गया, तो जब आप विड्रॉल करोगे तो सिर्फ 2 महीने के पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। यदि आपका जो ऐसा म्यूचुअल फंड का टाइम 3 साल और 6 महीने हो गए हैं और आपको विड्रॉल करना है तो आप सिर्फ 6 महीने का पैसे ही विड्रॉल कर सकते हैं, पूरा पैसा आप विड्रॉल उसमें नहीं कर सकते हैं। तो गाइज़, ये ध्यान रखने वाली बात है आपका जो ये लॉक इन टाइम के म्यूचुअल फंड होते हैं उनमें। लेकिन फ़ायदा ये है कि लॉक इन टाइम होने की वजह से जो बचत है वो अच्छी हो जाती है और आपको इसका रिटर्न भी बहुत अच्छा मिल जाता है। और रिटायरमेंट प्लान के जो है उसके अंदर यदि आपकी एज रिटायरमेंट की हो गई है, यदि 60 साल आपका कंप्लीट हो गया है, तो आपको उसको विड्रॉल कर सकते हैं। और या फिर जब तक 5 साल कंप्लीट नहीं होंगे आप उसको विड्रॉल नहीं कर सकते। तो ऐसे ही लॉक इन पीरियड है 3 साल का होता है म्यूचुअल फंड में, जैसे SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है। इसी तरीके से HDFC स्मॉल कैप, HDFC टैक्स सेवर फंड भी है, NJELS का भी जो टैक्स सेविंग फंड है। तो काफ़ी म्यूचुअल फंड है जिनमें लॉक इन टाइम है, लेकिन बेनिफिट ये है कि इसमें आपको इनकम टैक्स में छूट मिल जाती है। हम इसमें 1,50,000 रुपये तक का इनकम टैक्स में छूट पा सकते हैं। तो ये लॉक इन पीरियड जो है उनका ये फ़ायदा है। और ऐसे ही जो रिटायरमेंट प्लान है आप उसके अंदर भी आपको इनकम टैक्स में छूट मिल जाएगी। तो गाइस, जितने भी ELSS फंड होते हैं उनमें इनकम टैक्स में छूट मिलती है, और ELSS जो फंड होते हैं ओनली उन्हीं के अंदर ही आपको लॉक इन पीरियड मिलता है। बाकी अदर म्यूचुअल फंड जो है, जैसे स्मॉल कैप है, मिड कैप है, उनके अंदर आपको कुछ भी लॉक इन टाइम नहीं होता है, तो आप जब चाहो तब पैसे डाल सकते हो और जब चाहो तभी विड्रॉल कर सकते हो। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। बाकी और कोई आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए। ओके, धन्यवाद।